लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं, आम शहरी की हैसियत से, आम शहरी हैं, कारोबारी तबके से हमारा ताल्लुक है और हम सब मुतासरीन हैं। 200 लोगों को इस वक्त यहाँ शफीक मोड़ के होटल पे लूटा गया है। कोई गरीब आदमी अपने घर के लिए नाश्ता लेने आया था, कोई गरीब आदमी रिक्शा करने के लिए आया था, एक मासूम रिक्शे वाले गरीब आदमी को गोली मारी गई है। 20 से ज्यादा मुलजिमान या 20 से ज्यादा दहशतगर्द बमा असले के साथ, लाखों रुपए का उनके पास असला था, वो यहाँ आए दंदनाते हुए रात के इस पहर में शफीक मोड़ के मेन रोड पे तमाम लोगों को लूट के लेके गए। कमोबेश 25 लाख रुपए की यह डकैती हुई है, लोगों से मुतादिद मोबाइल खरीद छीने गए, लोगों का कैश छीना गया है, इस गरीब होटल वाले का सारा कैश छीना गया है, मोबाइल छीने गए। कोई कानून नाम की चीज नहीं है इस कराची शहर में, लावारिस कराची शहर है ये, सिवाय मजम्मत के कुछ नहीं होता, कोई कानून हरकत में नहीं आता, कोई काम नहीं करता। इस वक्त होम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए, जो निगरा होम मिनिस्टर है, इस वक्त जो निगरा वजीर आजम है उनको सोचना चाहिए, इस वक्त जो कराची शहर के नामवर बने हुए मुर्तजा वहाब साहब, ये नामवर मेयर बने हुए, काम इनको कुछ नहीं आता, फिर इनसे कुछ कहो तो ये कहते हैं इख्तियारात नहीं है। ओ भाई, यहाँ कोई लोगों को सिक्योरिटी तो दे दो, खाना तो आप लोग दे नहीं रहे, महंगाई तो आप लोगों ने कर दी है, अब लोगों की जाने भी महफूज नहीं है। अगर आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, मैं उसको अपना मोबाइल नहीं देता तो वो मुझे भी गोली मार देता, फिर कौन होता हमारा पूछने वाला। इस शहर को क़यादत की जरूरत है, क़यादत की जरूरत है, इस शहर को खुदा ना सही हाथों में दिया जाए।